नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं स्लोजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम क्या है कोरोना वायरस का रहस्य और कब तक इसका तांडव रहेगा दुनिया में और कब यह समाप्त होगा। प्रिय दर्शकों, देखिए पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी कोरोना वायरस कब जाएगा, लेकिन उस वीडियो का कुछ तथ्य था परंतु बहुत हद तक तथ्य नहीं था। सत्य बात यही है कि कोरोना वायरस पे मैं ही नहीं बहुत सारे लोग फेल हो चुके हैं कि आखिर क्यों आया था, किस कारण से आया था। आज मैं आपको एक ऐसे गुप्त रहस्य के बारे में बतलाने जा रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को बहुत ही थोड़ा भी समय निकाल करके और बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आखिर कोरोना वायरस का रहस्य क्या है और ये कब तक जाएगा। मैंने इस वीडियो में इस वायरस से छुटकारा पाने के लिए अभी कोई भी उपाय पर रिसर्च नहीं किया है। मैं 2.5 महीने से इस रिसर्च के पीछे पड़ा था कि आखिर कोरोना वायरस क्यों आया, क्योंकि मेरे को क्या है कि अगर मैं इस काम में हूं और अगर मैं फेल हो रहा हूं इसका मतलब कहीं ना तो कहीं मेरे अंदर कमी है। तो इसीलिए काफी दिनों से रिसर्च करते 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 आज फाइनली मुझे पता चला कि इसका वास्तविक रीजन क्या है और इसका क्या तथ्य है और आखिर ये क्या वाकई में फिर दोबारा आएगा और ये कब तक समाप्त होगा। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और किसी भी हाल में मैं ये दावा नहीं करता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं सत्य है, ये जो मेरा रिसर्च है मैंने रिसर्च के आधार पर बोला है, ये 3 महीने का मेरा रिसर्च है और इसके आधार पर मैं बोल रहा हूं, इसलिए किसी भी बातों का सत्य का मैं दावा तो नहीं करता हूं परंतु जो भी बात बोलूंगा ये तथ्य के अनुसार बोलूंगा, ये मेरी गारंटी है। प्रिय दर्शकों, देखिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो है 9 ग्रह को ही मान्यता दिया गया, लेकिन धर्म शास्त्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं जिसमें यह भी बताया गया है कि यमलोक भी है, यम भी है, यमराज भी है। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य मिलते हैं। जब पिछले बार 2020 में मैंने कोरोना वायरस पे वीडियो बनाया तो मुझे कुछ तथ्य नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मैंने बनाया जितना मुझे ज्ञान था, लेकिन मैंने फिर इस पे रिसर्च करना चालू किया और रिसर्च के बाद मुझे यह ज्ञात हुआ कि जीवन में जो है 9 ग्रह का मनुष्य के ऊपर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, लेकिन अन्य ग्रह का भी पृथ्वी पे प्रभाव पड़ता है, यह सत्य है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आज यम यानी हमारे धर्म शास्त्र में जिसको यम लोक बोला जाता है, जिसको प्लूटो। हमने ये चीज रिसर्च पे पाया कि जितने भी ग्रह हैं 9 ग्रह जो है, जो सूर्य से लेकर के राहु और केतु तक समाप्त होते हैं, इसका मनुष्य के ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन 1-2 शास्त्र में मैंने यह चीज देखा कि अगर आपको पूरे दिन दुनिया और संसार की और आपके समाज की या देश की परिकल्पना करना है तो आपको किसी भी सूरत में प्लूटो को यानी यम को देखना ही पड़ेगा। मैंने इस पर रिसर्च करना चालू किया और जब मैंने इस पर रिसर्च करना चालू किया तो मुझे ऐसे तथ्य के बारे में पता चला कि मैं आपको क्या बताऊं। सर्वप्रथम देखिए कि प्लूटो का कुछ क्या वाकई में शास्त्र में कुछ वर्णन है। अगर पहले हम लोग वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो देखिए क्या हुआ, 2003 में इसकी खोज हुई और इसके बाद फिर 2008 आते आते वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध किया कि यह पूर्णता ग्रह नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना था कि एक ग्रह जो होता है वो सूर्य का प्रॉपर चक्कर लगाना चाहिए, उसकी अपनी घनत्व क्षमता होनी चाहिए और साथ में जो है उसके अंदर खुद का अट्रैक्शन और गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। उन्होंने देखा कि प्लूटो सूर्य का चक्कर तो निश्चित तौर पे लगाता है लेकिन उसके अंदर खुद का घनत्व पावर नहीं है और उसके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण नहीं है यानी किसी भी चीजों को अट्रैक्ट करने की क्षमता नहीं है जो मंगल ग्रह पे और पृथ्वी ग्रह पे है। लेकिन 2019 में पुनः नासा के कुछ साइंटिस्टों ने यह साबित किया है कि 2019 में कि प्लूटो को ग्रह माना जा सकता है, इसके अंदर कुछ न तो कुछ बात जरूर है। और मैंने वैदिक शास्त्र के बारे में जब चर्चा देखा तो वैदिक शास्त्र में यह बतलाया गया कि यम नाम के भी हम लोगों के वैदिक शास्त्र में एक देवता हैं और यम कौन है, सूर्य के पुत्र हैं। उनका विवाह किससे हुआ, विश्वकर्मा की पुत्री से हुआ, लेकिन विश्वकर्मा की पुत्री यानी
उनसे भी हुआ। तो सूर्य का एक मैंने कहानी पढ़ा, उसमें सूर्य का कहना है कि तुम हो यम, यानी पृथ्वी के लोगों को तुम खाने वाले हो और लोगों को अपने पास लाने वाले हो, इसीलिए तुम हो खतरा, तो तुम दूर चले जाओ। तो इसीलिए सूर्य देवता ने प्लूटो को अपने यानी यम देवता को अपने से बहुत दूर किया। ये हमारा धर्म शास्त्र कहता है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं नास्तिक हूं, पर मैं यही भी नहीं बोलता हूं कि मैं आस्तिक हूं। मैं अपने रिसर्च पे और अपने विश्वास पे ही विश्वास करता हूं। ये मेरी अंदर की ह्यूमिनिटी है, या जो बोलिए, ये मेरे खुद की परिकल्पना, ये तो ऊपर वाला बना करके भेजा है। तो फिर क्या, ये एक शास्त्र मिलता है, मतलब ये कहीं ना तो कहीं प्लूटो के अंदर इतनी क्षमता है कि वो मनुष्य के जीवन को प्रभावित कर सकता है। अब जैसे कि देखिए, फिर मैंने धर्मशास्त्र में वापस रिसर्च करना प्रारंभ किया, तो मैंने प्राप्त किया कि प्लूटो को कहा गया है कि जब भी आपको किसी देश का, समाज का आपको भविष्यवाणी करना हो, तो आप प्लूटो को करिए। और इस तथ्य पे क्या कहता है हमारा धर्मशास्त्र कि आप पहले तथ्य को समझिएगा। प्लूटो जो है, ये देश, समाज, दुनिया का फलादेश करने के लिए इसको बनाया गया। और ज्योतिष शास्त्र में भी नहीं, और हमारे धर्म शास्त्र में भी यम देवता यानी यमराज को लोगों का न्याय करने वाला बताया गया। आप समझ गए। दूसरी बात, ये 248 वर्ष और 9 महीने में, मैंने 9 महीना नहीं लिखा है, ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, यानी ये सूर्य से काफी दूरी पे है। और दूरी पे होने के कारण इसके अंदर मीथेन और नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा है, और ये बहुत ही ठंडा ग्रह है। लेकिन इस ग्रह के अंदर इतनी क्षमता नहीं कि अपने सतह को ये पूर्णता बल से मजबूत करके रखे, इसीलिए इसके जब भी इसके अंदर कोई हलचल होता है तो इसका वेव जो है वो पृथ्वी पे आता है, यानी पूरे दुनिया पे इसका प्रभाव दिखता है, क्योंकि इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है और यह ठंडा ग्रह है, क्योंकि सूर्य से जो भी ग्रह दूर रहेगा उसमें हीट की क्षमताएं नहीं रहती हैं ज्यादा। इसके बाद ये 19.5 वर्ष में एक राशि को परिवर्तित करता है, इसीलिए हम लोग के शास्त्र में भी कहा जाता है कि कोई भी घटनाएं जब घटती हैं तो 10 या 20 वर्ष के मध्य में ही एक बार बड़ी घटनाएं घटित होती हैं। इसके बाद देखिए, वृश्चिक राशि को इसका स्वामी बताया गया है। वृश्चिक राशि का इसका स्वामी बताया गया, यानी मंगल इसके मित्र है और बृहस्पति और सूर्य भी इसके मित्र हो सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा दिया है कि मेरे हिसाब से सूर्य और गुरु इसके मित्र हो सकते हैं। लेकिन मैंने एक चीज रिसर्च में पाया कि जब जब बृहस्पति और प्लूटो का तालमेल रहा है तो स्थितियों में सुधार आई है, परिस्थितियों में सुधार आई है। इसलिए बृहस्पति और प्लूटो का निश्चित तौर पर कहीं ना तो कहीं जो है यह स्पष्ट तौर पर वर्णन है कि मित्रतावध हो सकता है। ये मेरा खुद का दावा है, रिसर्च का दावा है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। मैं किसी भी चीजों की गारंटी तो नहीं दे सकता हूं। इसके बाद आप देखिए, इसके फलादेश में क्या क्या जो है वो एंट्री लिया। देखिए, ये कहा जाता है कि अगर आपको यम से विचार करना है तो आप किन चीजों का करिएगा, समाज, देश और दुनिया में, इनको मृत्यु का, विनाश का कारक माना गया है। दूसरी बात, युद्ध अगर होता है तो उसके कारक इन्हीं को माना गया है। भूकंप अगर कहीं आती है तो इसके कारक इन्हीं को माना गया है। आतंकवाद, आधुनिकता, रसायन उर्वरक, क्योंकि कोरोना वायरस भी एक रसायन उर्वरक ही है, क्योंकि इबोला वायरस का रिसर्च हो रहा था और उसमें 2019 में चाइना वालों को यह वायरस का ज्ञान हुआ था। इसके बाद फिर सत्ता और शक्ति, निश्चित तौर पे सत्ता और शक्ति। अब इन दिनों क्या हो रहा है, म्यांमार का हाल देख लीजिए, चाइना का हाल देख लीजिए, सत्ता का पावर है वहां पे, जैकमा अभी तक नहीं मिल पाए हैं। इसके अलावा भारत देश में भी सत्ता का पावर अब बढ़ रहा है। इसके अलावा जो है प्राकृतिक विपत्ति, जितना प्राकृतिक विपत्ति 2020 और 21 में आया है अभी तक कहीं नहीं देखने को मिला है। इसके बाद विचित्र गतिविधि, कोई विचित्र ऐसा गतिविधि जो हर दुनिया उससे परेशान है, इसको विचित्र गतिविधि बोलते हैं। ये तो खैर फैमिली में भी होते हैं, समाज में भी होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया की बात करने के लिए बताया जाता है। इसके बाद फिर रहस्यमयी मृत्यु, यानी किसी व्यक्ति का रहस्यमयी मृत्यु होता है, जो इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको अंडरलाइन भी किया है, उसका भी निर्धारित प्लूटो से ही किया जाता है, यानी यम लोक से, यानी यम देवता से ही किया जाता है। और भ्रष्ट, जो व्यक्ति भ्रष्ट होते हैं, जनसंख्या नियंत्रण, यानी अगर मनुष्य की जनसंख्याएं बढ़ती हैं तो अगर प्लूटो में कोई हलचल होगा तो जनसंख्या को नियंत्रित करेगा, यानी शास्त्र का बात सही हो रहा है कि भगवान खुद जो है रास्ता खोज लेते हैं कि पृथ्वी पे आबादी कब कम करना है। इसके बाद तकनीकी,
तकनीक को भी प्रभावित हो चुका है हम लोग, अब इसके बाद जनसंपर्क, एक व्यक्ति दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, इसका भी प्लूटो यानी यम ग्रह को ही महत्वपूर्ण माना गया है, समझते चले जाइएगा। और बीमारी, बर्बरता, भौतिक सुख सुविधा, बीमारी और बर्बरता, बर्बरता तो पढ़ ही रहा है और बीमारी का तो हाल ही इतना खराब है कि 2020 में मुझे खुद ही हुआ था तो मैं दुनिया को क्या बोलता। ये महत्वपूर्ण तथ्य की मैंने बात आपके समक्ष किया है। अब यहां पे कुछ तथ्यों की बात मैं अवश्य आगे करूंगा, उसका मैंने यहां पे जरूर लिख करके रखा है। और अब देखिए, जो मैंने रिसर्च किया है उस रिसर्च के बारे में आपको बतलाना चालू करता हूं। सर्वप्रथम दो है, एक यम है, एक यूरेनस है, एक नेपच्यून है। नेपच्यून यूरेनस पे मेरा रिसर्च नहीं है, क्योंकि मैंने रिसर्च किया, मुझे उतना तथ्य नहीं मिला जितना मुझे प्लूटो में मिला। इसके बाद फिर अगर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं तो कहा जाता है कि प्लूटो का यानी यम का और बुध का मिश्रण यानी इस ग्रह में भी मिश्रित फल देता है, मतलब बुध के साथ इनकी तालमेल खराब नहीं है। अब रिसर्च की ओर आते हैं। जब मैं रिसर्च करना प्रारंभ किया तो मैंने देखा कि जब जब घटनाएं घटित हुई हैं तब तब सो है, अब मुद्दे पे मैं आ गया हूं, जब जब घटनाएं घटित हुई हैं तब तब यम ग्रह यानी प्लूटो, सैटर्न यानी शनि, राहु या केतु का ही योगदान देखने को मिला। एकदम समझने वाली बात है। 1964 में पहली बार जो है COVID-19 यानी कोरोना वायरस का रिसर्च पे खोज हुआ था, डॉक्टर अल्मेडा ने 1964 में लंदन में इसकी खोज की थी। उस समय शनि और प्लूटो यानी शनि और यम एक दूसरे को देख रहे थे सातवीं दृष्टि से, अब और एक दूसरे के सामने ही बैठे हुए थे। जनवरी 2019 में जो है वुहान में इसका फिर खोज हुआ था, इस पे भी हम लोग आएंगे। फिर देखिए क्या हुआ, 1970 में फ्रांस में फ्लैग फैला और यम और शनि यानी एकदम समझते चले जाएगा, 1720 में जब फ्रांस में फ्लैग फैला जिससे पूरा चाइना से लेकर भारत तक लाखों लाख लाशों के ढेर लग गए थे, इस दिन भी प्लूटो और शनि एक दूसरे के सामने में खड़े थे यानी एक दूसरे के सामने देख रहे थे। दूसरी बात, 1820 में कार्ला फैला, मैंने एक एक साल का रेडियसी लिया है, हालांकि दो चार साल आगे पीछे हो सकते हैं। 1920 में जब कार्ला फैला तो शनि प्लूटो और राहु तीनों साथ में बैठे हुए थे, एकदम समझते चले जाइएगा बात को। फिर 1920 में स्पेनिश फ्लू फैला जिसमें लोगों का लंग्स खराब हुआ, फेफड़े खराब हुए, इस समय यम ग्रह यानी प्लूटो राहु एक दूसरे को देख रहे थे। इसके बाद फिर देखिए, अब आ गए हम लोग जो वास्तविक जीवन हम लोग जी रहे हैं इस पे। जनवरी 2019 में पहली बार पता चला कि कुछ ऐसा वायरस है जो अन्य वायरस से अलग है, जनवरी 2019 में वुहान में इसकी पता चली। इसके बाद फिर देखिए क्या हुआ कि महत्वपूर्ण तथ्य को समझिएगा, 2017 में ही जो है कह सकता हूं मैं कि प्लूटो का जो है सामना शनि के साथ होना प्रारंभ हो चुका था 2017 में ही। और इसके बाद फिर जो है, अब हम लोग महत्वपूर्ण मुद्दे पे आते हैं। मार्च 2019 में देखिए, मार्च 2019 में मैं बात कर रहा हूं कोरोना वायरस 2020 से पहले की बात कर रहा हूं, मार्च 2019 में शनि केतु के साथ में यम बैठा हुआ था, यानी शनि केतु के साथ में जो है प्लूटो बैठा हुआ था। प्लूटो जब बैठा हुआ था धनु राशि में यानी 9 नंबर में, तो इस समय तक इसका प्रकोप धीरे 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 पैदा होना प्रारंभ हो चुका था, क्योंकि ग्रह जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो डिग्रियों का भी फर्क होता है। इसके बाद जनवरी 2020 में देखिए क्या हुआ, अब जनवरी 2020 की बात अगर हम लोग करते हैं तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया है आपको देखना चाहिए। जनवरी 2020 का मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है। ग्राफ में क्या हुआ था, जनवरी 2020 में केतु, सूर्य, बृहस्पति, शनि, बुध और यम को मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि वीडियो ही मेरे इस पे आधारित है,
केतु सूर्य बृहस्पति शनि बुध और यम ये सारे ग्रह भाग्य स्थान में विराजमान हुए थे धनु राशि यानी 9 नंबर पे, और राहु जो है 9वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देख रहा था। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे तो राहु और केतु जो है किसको देख रहा था, सूर्य को, गुरु को, शनि को, बुध को और यम को देख रहा था। सबको पता है कि राहु में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, राहु और केतु जो है वो पृथ्वी और चंद्रमा का कटाव है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, और जहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है वहां भ्रम फैलता है, और जब भ्रम फैलता है तो इंसान गलत फहमी में या भ्रम में कुछ भी कर सकता है। इसीलिए राहु और केतु को रहस्यमयी ग्रह कहा गया है, यानी यह क्या करेगा इसका कोई पता नहीं होता है। इसके बाद फिर देखिए अब आगे की स्थिति की बात करते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्यों की बात अगर हम लोग करना चाहेंगे, जून 2020 में समझते चले जाइएगा, मार्च 2020 में आपने देखा, जनवरी माफ करिएगा, जनवरी 2020 में आपने देखा कि स्थिति ऐसी हुई, कोरोना फैलने लगा, लाशें गिरने लगी, उस समय में जो है मृत्यु का विनाश भी देखने को मिला, एक देश दूसरे देश से अजरबैजान और एक और देश से जो वो आपस में युद्ध भी कर रहे थे, अमेरिका भी धमकी दे रहा था, चाइना भी धमकी दे रहा था, और इंडिया की स्थिति भी बहुत अच्छी तो नहीं थी। इसके बाद विचित्र गतिविधि भी हो रही थी, रहस्यमयी मृत्यु भी होने चालू हुए, जनसंख्या नियंत्रण होना चालू हो चुका था, तकनीकी स्थिति खराब हुआ, जनसंपर्क आप अपने फैमिली से ही नहीं मिल पाते, और बीमारी और बर्बरता तो बढ़ना ही चालू हो गया, किसकी बॉडी है, कौन जला रहा है, कहां जा रहा है, कुछ पता नहीं था। इससे बड़ा भयावह स्थिति तो मैं नहीं चाहता कि अपनी जिंदगी में देखूं, लेकिन देखने पड़ेंगे क्योंकि स्थिति ऐसी है। इसके बाद फिर क्या हुआ कि जून 2020 में जो है क्या हुआ कि शनि और यम जो है अलग अलग हो गए। आप एकदम मुद्दा को समझिएगा, जून 2020 में शनि और यम जो है अलग अलग हो गया। उसके बाद क्यों अलग अलग हो गया कि शनि चला गया मकर की स्थिति में। अब यहां पे स्थिति की बात अगर करते हैं, और यम शनि जो है सिर्फ अलग हुआ, और यम गुरु और केतु, और यम गुरु और केतु की स्थिति की बात करें तो इन दोनों का तालमेल चल रहा था। मतलब इस समय स्थिति क्या हुई कि शनि जब अलग हुआ तो थोड़ा सा जून 2020 में प्रभाव घटा, इसी कारण से लॉकडाउन वगैरह खुलने प्रारंभ हुए। मुझे जहां तक लगता है कि 30 मई को मैंने अपना ऑफिस खोला था, 31 मई को पूर्णतः लॉकडाउन हटने की स्थिति थी, तो मैं अपने ऑफिस का 30 मई को साफ सफाई कर रहा था। इसके बाद फिर क्या हुआ कि 31 दिसंबर, अब हम लोग आ चुके हैं 31 दिसंबर 2020 में, 31 दिसंबर को क्या हुआ कि अब वो इतिहास में महत्वपूर्ण स्थितियां परिवर्तित हुई जो मैं बता नहीं सकता हूं। मैंने क्या कहा था कि प्लूटो जो है 19.5 वर्ष में एक राशि को चेंज करता है। इतना भाग देखिए कि ये घटना जो घटित हुई ये 2020 में ही घटित हुआ, और 20 में 31 दिसंबर को प्लूटो जो है अपनी 19.5 वर्ष की एक राशि के परिक्रमा को पूर्ण करके मकर राशि में घुस गया, जहां पे ऑलरेडी शनि बैठा हुआ था। अब यहां पे क्या हुआ कि ऑलरेडी शनि बैठा हुआ था और राहु वृषभ राशि में चल रहे थे, तो राहु देख रहे थे शनि और प्लूटो को नौवीं दृष्टि से, और गुरु और शनि गुरु शनि और यम यानी प्लूटो साथ में बैठा हुआ था। तो गुरु शनि और यम जो है साथ में बैठा हुआ था, तो क्या हुआ कि बृहस्पति और प्लूटो की मित्रता है, ये मैंने अपने रिसर्च पे देखा। तो उस समय 31 दिसंबर 2020 को उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा था क्योंकि बृहस्पति साथ में थे, लेकिन इसके बाद अप्रैल 2021 की बात अगर हम लोग कर लेते हैं, वर्तमान में हम लोग आ चुके हैं अप्रैल 2021 में, देखिए क्या हुआ कि अभी फिर से देखिए क्या हुआ है कि शनि यम और राहु जो है नौवीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं दृष्टि से देख रहा है, और बृहस्पति जो है ये 6 अप्रैल को मकर राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में चले गए। यानी बृहस्पति है देव गुरु ब्रह्मा यानी विष्णु जो है जीवन दायिनी। जब बृहस्पति आए शनि और प्लूटो यानी यम के साथ, तो स्थितियों में सुधार हुआ, लॉकडाउन वगैरह संभवतः तौर पे समाप्त हुए, लोगों का जीवन बसर होने लगा, धन की स्थिति में वृद्धि होने लगी, लोगों का हेल्थ ठीक होने लगा, लोगों के वजन बढ़ चुके थे, वजन वगैरह लोग कम करने लगे क्योंकि बृहस्पति इन सभी चीजों का चर्बी वगैरह के कारक होते हैं। लेकिन 6
6 अप्रैल को जब बृहस्पति पुनः जो है कुंभ राशि में चला गया, मैं यहाँ पे बृहस्पति नहीं लिखा हूं, लेकिन बृहस्पति 6 अप्रैल को यहाँ चला गया है, और 6 अप्रैल से जो है देख लीजिएगा कि कोरोना फिर से बढ़ना चालू हो चुका है, क्योंकि जीवनदायिनी ग्रह दूर चला गया। अब आते हैं मुद्दा पे, शनि क्या है? शनि वायु रोगों को उत्पन्न करते हैं, कफ के रोगों को उत्पन्न करते हैं, लकवा की स्थिति को उत्पन्न करते हैं, शरीर में कमजोरी लाते हैं और सांस की बीमारी को उत्पन्न करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर चीज मैं बोर्ड पे लिख ही दूं। तो अब क्या हुआ है कि फिर से जो है कोरोना बढ़ना चालू हो चुका है, और अब जो बढ़ना चालू होगा इसको कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता है। इसके साथ में या तो जीना सीख लीजिए और नहीं तो लापरवाही करके मरना सीख लीजिए। अब इसके बाद फिर देखिए क्या है, इसका प्रकोप जो है सितंबर 2021 तक इतना भयावह दिखेगा कि हर जगह पे लाशें गिरने की स्थिति उत्पन्न होंगी, लोग फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे, हो सकता है तो एक देश दूसरे देश से भिड़ भी सकता है, मेंटल टेंशन होगा और अस्थिरताएं बढ़ेंगी, ठंड गर्मी में भी ठंड का एहसास की स्थितियां उत्पन्न होंगी कि प्लूटो ठंड कारक ग्रह है, और लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन विकार और तनाव की स्थिति को ब्रह्मांड का कोई ताकत भी नहीं रोक सकता है। ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे तो नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ये सृष्टि उन्हीं की रची हुई है। अब इसके बाद फिर क्या होगा कि शनि गुरु और यम जो है सितंबर में साथ हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति जो है सितंबर में पुनः वक्र अवस्था में वापस जो है समझ लीजिए कि आ जाएंगे कहां, मकर राशि में। तो सितंबर से लेकर के मोटा मोटी आपका नवंबर तक, हाँ बृहस्पति नवंबर तक रहेंगे, हाँ नवंबर तक हालात में सुधार हो जाएगा, मतलब सितंबर से नवंबर में फिर से ये स्थितियों में सुधार आ जाएगा। बस यही 3-4 महीने की स्थितियों में सुधार आएगा, या 3 ही महीना, 4 महीने नहीं बोल सकते, 3 ही महीना, क्योंकि मैंने रिसर्च किया है। उसके बाद फिर पुनः कोरोना बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि फिर बृहस्पति जो है वो छोड़ेगा कुंभ मकर राशि को और कुंभ में प्रवेश करेगा, फिर से कोरोना का प्रकोप बढ़ना चालू हो जाएगा, और फाइनली याद रखिएगा अप्रैल 29 अप्रैल 2022 को फाइनली देखिए क्या हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहु जो है अपनी राशि को वृषभ को छोड़ करके वापस, क्योंकि वक्री चलते हैं तो पीछे की ओर चलते हैं, मेष में प्रवेश करेंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है, और 1 2 3 4 5 यानी राहु और केतु कहीं से भी प्लूटो को यानी यम को नहीं देखेगा। और इसके बाद फिर जो है, क्योंकि इस समय सिर्फ प्लूटो के साथ शनि ही रह जाएंगे, मार्च से स्थिति में सुधार आना चालू हो जाएगा, और 29 अप्रैल को शनि भी यम को यानी प्लूटो को छोड़ देंगे। जब शनि प्लूटो को छोड़ देंगे तो, क्योंकि दोनों यम देवता और शनि देवता भाई हैं, लेकिन पटता नहीं है दोनों का, केमिकल रिएक्शन बोल सकता हूं, या फिर प्लूटो में अत्यधिक ठंड है और शनि में सिर्फ गैस है, इस कारण से केमिकल रिएक्शन होता है। यही कारण है कि समझ लीजिए कि फाइनली 29 अप्रैल 2022 को कोरोना का प्रकोप घटना चालू हो जाएगा, और लोग इस भयानक बीमारी से जो है निकलना चालू कर देंगे और अपने जीवन के तथ्य को समझना चालू कर देंगे। अब इसके बाद फिर जो है 2027 में जब राहु पुनः मकर राशि में जाएगा, याद रखिएगा, और यम और राहु हो जाएगा साथ में, तो 2027 में फिर जो है युद्ध, महामारी, पानी के बीमारी से लोगों को परेशानी, और जल दूषित हो जाएगा, जहरीला गैस का प्रकोप आएगा। इसके बाद 2028 में फिर शनि भी इसको देखने लगेगा, याद रखिएगा 27 में राहु और शनि 28 में देखने लगेगा, यानी नेक्स्ट तैयारी बिल्कुल जिंदगी और संसार का बर्बादी का डेट रहेगा 2027 और 2028, जहां पे लोग अपने जिंदगी को जीने के लिए परिश्रम करेंगे। ऐसा भयावह स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब रहेगा, हालांकि किस राशि में रहेगा इसके अनुसार हम आगे की चर्चा करेंगे, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। यानी फाइनली मैंने बता दिया है कि 29 अप्रैल 2022 के बाद कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाएगा, लोग रिकवर करना चालू कर जाएंगे। अब रहा उपाय, प्रिय दर्शकों मैंने उपाय पे कोई रिसर्च नहीं किया है, मेडिकल साइंस ने जो कोविड के वैक्सीन दिए हैं आप इसको प्रयोग कीजिए। मुझे भी जब कोरोना हुआ था मैं काढ़ा बहुत पीता था, पीने के बाद भी हुआ, लेकिन उतनी स्थितियां खराब नहीं हुई जितनी अन्य लोगों की हुई। फल फ्रूट ज्यादा खाइए,
ऐसे फ्रूट्स ज्यादा खाइए जो मीथेन गैस से बचाए और नाइट्रोजन गैस से आपको बचाए। याद रखिए क्योंकि प्लूटो का यही गैस का प्रकोप संसार पे पड़ता है। इसके अलावा जो है जितना ज्यादा से ज्यादा हो बॉडी को गर्म रखिएगा क्योंकि प्लूटो का प्रकोप से शनि भी ठंडा हो गया है और प्लूटो तो ठंडा है ही, पूरे संसार की स्थितियां खराब हो रही हैं। और इसके अलावा जो है मन को नियंत्रित रखिएगा, एक्सरसाइज करके बॉडी को गर्म रखिए, काढ़ा वगैरह पीजिए, कोई अगर आप आयुर्वेदिक या फिर एलोपैथिक उपाय करना है तो आप वो कीजिए। ना मैं मेडिकल साइंस को गलत बोलता हूं और ना अपने शास्त्र को गलत बोलता हूं, लेकिन शास्त्र में अगर कुछ बातें छूट गई हैं या छुपा दी गई हैं तो मेरा काम है उसका पुनः जीवित करना। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत किया है, कोविड-19 से कब छुटकारा मिलेगा, कब आप इससे बचेंगे और बहुत हद तक क्या उपाय, जो जनरली उपाय मैंने बताया है। इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर कीजिए, लाइक करिए और आगे के लोगों को भेजिए। मैं आऊंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवंतक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, 2 गज दूरी जीवन को बचाने वाला रहेगा। धन्यवाद।